स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। झगड़ा हुआ तो बाप को मार डाला, आए दिन शराब पीकर करता था विवाद, फिर बहस हुई तो गला दबाकर हत्या कर दी। झारखंड से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि वो आए दिन शराब पीकर झगड़ा करता था। इस बीच जब फिर से उसने झगड़ा किया तो बेटे ने गला दबाकर उसे मार डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी झारखंड भाग गया था, मगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। 4 फरवरी को पुलिस को पता चला था कि केराक्षा गोरापारा गांव में संदिग्ध हालत में रामप्रसाद पायलट 42 वर्ष की लाश पड़ी हुई है, जबकि एक दिन पहले तक वो सही था। उसके पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी, साथ ही शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस को जांच में पता चला कि रामप्रसाद शराब तो पीता ही था, इसके अलावा वो घर में झगड़ा भी करता था, इसलिए पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ की थी। पुलिस को जांच में पता चला कि रामप्रसाद के व्यवहार के चलते उसका बेटा नीरज पायलट 21 वर्ष भी उसके साथ नहीं रहता है। नीरज अपनी माँ को लेकर दूसरे घर में रहता है, रामप्रसाद अकेले ही घर पर रहता था। इस बीच पुलिस को पीएम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसमें पुलिस को पता चला कि उसकी हत्या की गई है, रामप्रसाद को गला दबाकर मारा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जांच और तेज की तो पता चला कि घटना के दिन से उसके बेटा नीरज गायब है। इसी पर पुलिस को नीरज पर शक हुआ तो पुलिस ने नीरज की तलाश शुरू की। तलाश करने पर पुलिस को पता चला कि नीरज झारखंड के छतरपुर में है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने नीरज से पूछताछ की तो उसने बताया कि 3 फरवरी की रात वो अपने पिता के घर गया था, उस दौरान भी उसके पिता ने शराब पी रखी थी। उसके घर पहुंचते ही फिर से वो झगड़ा करने लगा। नीरज ने बताया कि इस पर उसने अपने पिता को शांत कराने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना, उल्टा गाली गलौज करने लगा। इसलिए गुस्से में आकर मैंने गमछा निकाला और उसके गले को दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को पूरे मामले की जानकारी दी है।